क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतन सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजोलॉजी और प्लांट फिजोलॉजी में हम एक चैप्टर ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और हमने अच्छे से देखा कि किस प्रकार से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का फूड का ठीक है आज हम बात करेंगे बेटा सेकंड चैप्टर के ऊपर जो है मिनरल न्यूट्रिशन के तो प्लांट फिजलॉजी का सेकंड चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन मतलब जैसे आपने गौर किया होगा ना कि हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब तो हमने बात की थी विटामिन के बारे में बात करते हमारी बॉडी में विटामिन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है ऐसे प्लांट को भी अपनी सेल की मेटाबोलिज्म के लिए कई सारे मिनरल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कौन से मिनरल एलिमेंट हैं जो प्लांट की ग्रोथ में एसेंशियल होते हैं और उनकी आवश्यकता जो है वो किन चीजों में होती है किन प्रोसेस में वो रोल प्ले करते हैं ये सब कुछ देखेंगे हम किसे बेटा मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर देखेंगे हम क्लियर चलिए तो एक बात तो क्लियर रख के हम सब लोग चाहते हैं कि फसलों की पैदावार अच्छी हो हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास हेल्दी प्लांट्स हमें दिखाई पड़े अब आप सोचिए कि प्लांट्स अब प्लांट्स क्यों जरूरी है क्योंकि प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर के पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं वो जो भोजन बनाते हैं वो जो फूड बनाते हैं उसी फूड पर पूरा इको पूरा का पूरा जो है लाइफ जो है वो टिका होता है प्लांट्स फूड बनाने के लिए सनलाइट कहां से लेते हैं वो सूर्य से लेते हैं सिंपल सी बात है कि सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं सीओ टू का इस्तेमाल करते हैं वाटर का इस्तेमाल करते हैं वाटर कहाँ से आता है जमीन से आता है रूट से लेते हैं उसको उठ के लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट सेल के अंदर चल रही होती है उन सभी प्रोसेस को चलाने वाले होते हैं एंगइाइन और कई सारे एंजाइम ऐसे होते हैं उनको कुछ ना कुछ एक्टिवेटर केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है दे नीड मेटालिक एक्टिवेटर उन्हें मेटालिक एक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट होती है किसी को मैग्नीशियम चाहिए तो किसी को मैगनीज चाहिए किसी को क्लोरिन चाहिए के कई सारे मिनरल एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सेल डिविजन में रोल प्ले करते हैं उनके बगैर माइटोटिक स्पिंडल नहीं बन सकता है तो कुल मिलाकर बात ये कि पौधों के पास न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है वो है सॉइट सॉइट से वाटर लेंगे और उससे वो मिनरल्स लेंगे ठीक है क्लियर देखिए जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक पौधे के जीवन में हम देखें तो मैंने क्या कहा बेटा आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कोई प्रकृति में चल रहा है वो है फोटोसिंथेसिस उससे पूरे के पूरे जीवों को भोजन मिलता है फूड मिलता है ठीक है साथ में सह उत्पाद के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और जिसमें लोग जीव सांस ले पाते हैं क्लियर अब इस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए CO2 चाहिए वायुमंडल से मिल जाएगा ठीक वाटर चाहिए जमीन से लेना पड़ेगा ठीक है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दी कई सारे एंजाइमेटिक एक्शन में वो एक्टिवेटर के रूप में काम करते हैं इसको तो कहां से मिल रहा है मिनरल्स कहां से मिल रहे हैं वो सोइल से मिलेंगे ठीक है क्लियर अब इंपॉर्टेंट बात ये कि

मतलब ये है कि मैक्रो एलिमेंट जो होते हैं इनकी बड़ी मात्रा में प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है फिर हम बात करते हैं फास्फोरस हुआ सल्फर हुआ नाइट्रोजन हुआ पोटेशियम हुआ के ये सभी के सभी ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी पौधों को बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है ठीक है पौधों में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल डिविजन के लिए प्लांट ग्रोथ के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है इसीलिए आपने देखा होगा गौर गौर किया क्या होगा आपने कि खेत में हम अपने खेतों में क्या डालते हैं अपने खेतों में हम यूरिया डालते हैं यूरिया डालते हैं ठीक है वॉट इज यूरिया इट इज एन एच टू सीओ एन एच टू ठीक है इट इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ठीक है खेतों में एनपी के डालते हैं नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का खाद डालते हैं हम ठीक है पोटास डालते हैं खेतों के अंदर के तो हम क्या देखते हैं हम जो मिनरल एलिमेंट जो, जो प्लांट की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करते हैं उनको हम खाद के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं ठीक है नेचुरली प्लांट से लेता है वो सॉइल से लेता है कुछ ऐसे राइट से से -right कितना भी पढ़ लेंगे तो चैप्टर का इतना बड़ा और छोर है, इतना बड़ा चैप्टर होता है कि कोई उसका और छोर नहीं होता है। इसलिए, प्लीज जहां जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कीजिए आपके मैं बोल रहा हूं चैप्टर में आपको परसेंट एनसीआरटी ही पढ़नी है जितना मैं बताऊंगा उसके अलावा बाहर नहीं जाना आपको तो मतलब नहीं जाना आपको कि किसी चैप्टर में आपसे बोलूंगा कि भाई ये एनसीआर पढ़ने के अलावा ये बिटवीन द लाइंस ऑफ पढ़ेंगे बाहर पढ़ेंगे पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे और आपको जो मिले वो भी पढ़ लेना क्योंकि कुछ चैप्टर का रेंज बड़ा होता है ठीक है समझ गए बात को तो चलिए क्या लिखा है एनसीआर हम देखते हैं द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेंशियली दी सेम बिल्कुल सही बात है चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो सबकी बेसिक नीड ऑलमोस्ट सेम होती है सेल के लेवल पर अब देखो बेटा एक बड़े मजे की बात ये कि यदि हम कोशिक की शोषण प्रक्रिया की बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें ग्लाइकोलिस साइकिल कहां पढ़ाया ये मैंने साइटोलॉजी में मैंने आपको बताया हुआ इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तो ये सारी प्रोसेस आपको प्लांट में एनिमल में सब में एक समान दिखाई पड़ेगी आपको तो बेसिक बेसिक फंक्शन जो होते हैं जीव, जीव होती है मिनरल चाहिए वाटर चाहिए कार्बन का सोर्स चाहिए वो सब एक समान ही होता है दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल सचेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाटर एंड मिनरल्स फॉर देर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ठीक सभी जीवों को अपनी वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए प्रोटीन चाहिए फैट चाहिए वाटर चाहिए मिनरल चाहिए अब आप सर प्लांट तो खुद बना लेंगे अरे भाई प्लांट खुद बनाएंगे तो खुद के लिए इस्तेमाल भी तो करेंगे वो यानी प्लांट जो भी फूड बनाता है उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है बचा हुआ फूड बाकी जीवों को मिलता है समझ गए ना बात को ठीक है क्लियर तो देखिए है ना हम क्या देखते हैं बेटा कि हरे पौधे जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं वाटर को लेते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं खुद भी यूज करते हैं बाकी जीवों को भी देते हैं प्रो, प्रोटीन भी फॉर्म करते हैं वो उसके कुछ विटामिन बनाते हैं वो ऑयल्स भी बनाते हैं ने? सब कुछ है ना ये सारा कुछ नहीं देखिए ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है सीओ टू जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है ठीक है ना फिर आप देख रहे हैं कि प्लांट किसका सोर्स है अब आपसे मैं बोलता हूँ कि भाई गाजर खाया करो गाजर अच्छी होती है क्यों

कई सारे मिनरल्स को बना को, का इस्तेमाल करते हैं और वो विटामिन को प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट सबको जो है वो बनाते हैं ठीक है है कि व्हाट इज एरिया पढ़ना क्या है मिनरल न्यूट्रिशन में हम जानना क्या चाहते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टडी यानी हम जानना क्यों चाहते क्यों जानना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं दोनों चीजें इंपॉर्टेंट के क्यों इसलिए जानना चाहते हैं बेटा हम क्योंकि हमें यदि पता होगा कि प्लांट की ग्रोथ में कौन से मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कौन से मिनरल्स के बगैर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा और कौन से मिनरल्स को देने पर प्लांट बेहतर ग्रोथ करेगा तो हमारे लिए प्लांट को उगाना आसान हो जाएगा हमारे लिए फसलों का उत्पादन आसान हो जाएगा ठीक है एग्रीकल्चर को हम और इंप्रूव कर पाएंगे क्रॉप प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ा पाएंगे क्लियर ये हमारा उद्देश्य है पढ़ना क्या है आपको आपको ये जानना है कि कौन से मिनरल आयन पौधों के लिए जरूरी है कौन से जरूरी नहीं है और जरूरी है तो किस मात्रा में उनको हम दे सकते हैं ठीक है क्या लिखा है देखिए एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन द मैथड्स टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एसेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड द क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग द एसेंशियलिटी के मतलब पर्पज ये है कि किसी प्रकार हमको ये मालूम चले कि कौन से मिनरल एलिमेंट पौधों के लिए जरूरी होते हैं और दूसरी बात ये है कि वो एसेंशियल हैं कि नहीं है के वो किस मात्रा में चाहिए हमको यानी अधिक अमाउंट में चाहिए कि कम अमाउंट में चाहिए हमको के कहीं ऐसा तो नहीं कह उनको हमने एक लेवल से अधिक दे दिया तो टॉक्सिसिटी हो जाती है होता है बेटा कई मिनरल एलिमेंट ज्यादा दे दोगे तो टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट के लिए उठ के तो वो भी नहीं होना चाहिए ठीक है फिर रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट जो आवश्यक एलिमेंट है उनकी भूमिका क्या है क्या रोल प्ले करते हैं यानी वो यदि एसेंशियल एलिमेंट है तो प्लांट के जीवन का कौन सा ऐसा हिस्सा है लाइफ साइकिल का कौन सा हिस्सा है जिसको वो अफेक्ट करते हैं ठीक है अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि कैल्शियम आयन कैल्शियम यदि नहीं होगा प्लांट में तो प्लांट में ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट की सेल डिवाइड ग्रो नहीं कर पाएगा डेथ ऑफ साइन में कैल्शियम मतलब काफी कम है। फिर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो पुरानी पत्ते जो ओल्डर लिप्स है वो एकदम येलो पड़ जाएंगे क्लोरोसिस आपको देखने मिलेगा क्लोरोफिल डिस्टिटिकेट होने लगेगा उसमें तो कई मिनरल एलिमेंट बड़े जरूरी मैंने कहा बोरोन बोरोन के बगैर फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता फ्लोएम से फ्लोएम की सीव ट्यूब से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है उसमें बोरोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है अरे ये वही वाली बात हो गई कि विटामिन सी ने की कमी से आदमी को क्या होता है भी आता है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस आता है तो ये कैसे मालूम चला हमने देखा चे? इनके अंदर दे ये वाला विटामिन कम लेवल में तो ये सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है थीके? तो ये सी हम पौधों के लिए बात कर रहे हैं रोल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट पता करना है हमें देयर मेजर डिफिशेंट सिम्टम की उनकी कमी से क्या होता है ठीक है किस प्रकार से वो मिनरल आयन एब्जॉर्ब करता है प्लांट प्लांट जो है वो अब देखो फास्फोरस की बात करो तो अलग अलग कई सारे फॉर्म में वो हो सकता है तो कौन से फॉर्म का फॉस्फोरस पौधे के काम आएगा ये पता करना है हमको ठीक है फिर सिग्निफिकेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से खाद देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे दाले पलसेज दालों में क्या होता है रूट नोड्यूल होते हैं जड़ों में गांठे होती है उन रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जल्दी से बताएगा मेरा बच्चा मेरा कमांडो जल्दी से बता जल्दी से बताएगा के? जल्दी जल्दी वन टू थ्री क्या है वो राइजोबियम के और राइजोम का सही नाम क्या है बेटा बेसिलस रेडिसिकुला अब रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया है राइजोबियम ठीक है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है

जूलियस वॉन सेक्स ए प्रोमिनेंट जर्मन बॉट ने छोटी छोटी बातें हैं एनसीआरटी में लिखी हैं और एग्जाम में आती हैं जो जो सेक्ट सेक इन्होंने सबसे पहले 1860 में जो है वो बताया किसके बारे में बताया कि पौधों को हम जो है वो मिट्टी के बगैर भी ग्रो कर सकते हैं इन्होंने एक फंडा दिया इन्होंने एक लॉजिक बताया कि देखो ऐसा है यदि आप सॉइल देखो तो सॉइल में क्या है सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स है ह्यूमस जो है काला सॉइल के अंदर जो सड़े जो सड़, पदार्थ सड़ जाता है ना कंप्लीटली डिकम्पोज जाता है उससे ह्यूमस बनता है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है तो ह्यूमस है ठीक है सॉइल पार्टिकल्स है एयर है मॉइस्चर है वाटर है तो वही तो मिट्टी है तो देखो पौधे को मिट्टी से क्या मिल रहा है मिनरल्स मिल रहा है और वाटर मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट की, की लेती है, है, है प्लांट को, को वाटर चाहिए तो हमने क्या किया हमने जो है वो क्या किया प्लांट को वाटर चाहिए तो हमने एक बीकर लिया ठीक है इसमें हमने वाटर भर लिया और क्या चाहिए मिनरल चाहिए इसमें हमने मिनरल्स घोल दिए इसके अंदर मिनरल्स घोल दिए हमने और क्या चाहिए सपोर्ट चाहिए अच्छा एक काम करते हैं सपोर्ट के लिए क्लैंप लगा दिया हमने ये एक सपोर्ट के लिए क्लैंप लगा दिया और ये प्लांट इसमें हमने लगा दिया कि ये प्लांट को इसमें हमने लगा दिया इमेजिन करते हैं प्लांट को इसमें लगा दिया हमने ठीक है मिनरल मिल रहा है वाटर मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है एयर एयर कहां से तो हमने एक काम किया एयर के लिए एक पाइप लगा दिया हमने टके. एक पाइप की सबसे हमने एयर को भी अंदर सप्लाई कर दिया के तो एयर भी अंदर आ गया है के सब तो कर दिया एयर को रिप्लेस कर दिया हमने वाटर को दे दिया हमने मिनरल को दे दिया हमने सपोर्ट दे दिया हमने के तो इस मेथड को बोलते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स के लिक्विड मीडियम में सॉइललेस कल्टीवेशन के मृदा विहीन कृषि के सॉइल कल्टीवेशन ये क्या है बेटा एक प्रकार से एक प्रकार से ये होता है सोइल लेस कल्टीवेशन के दिस इज दी सॉइल लेस कल्टीवेशन ये क्या होता है ये मृदा विहीन कृषि होती है लेस कल्टीवेशन होता है इसमें मिट्टी नहीं है के केवल आपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इस्तेमाल किया आपने और उसमें प्लांट को आपने लगाया अब इन मजे की बात क्या है ये बड़ा अच्छा तरीका है बेटा पता करने का कि कैसे कौन सा मान लो अब हमने जो न्यूट्रिय इमेजिन करते हैं ठीक है समझो पहले बेटा लिखा तो सब कुछ होता है यार बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो बुक्स में मैं जो है वो ना लिखा हो जो मैं पढ़ा रहा हूं उनके अब मैं कोई ऐसा थोड़ी ना कि मैं सोच सोच के पढ़ा रहा हूँ उनके अरे भाई जो बुक्स में लिखा है वही तो पढ़ा रहा हूँ उनके मैं भी आपको पढ़ाने के पहले पच्चीस किताबें पढ़ता हूँ पच्चीस दिन रेफर करता हूँ उनके और हाल ही में जो है वो बता बड़ा आ, ऐसा हुआ कि मैं कभी गाड़ी कभी कभी ड्राइव करता हूँ कभी कभी मैं भी ड्राइवर नहीं होता कभी कभी मुझे भी गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है गाड़ी ड्राइव करता हूँ रात को कभी जाना हुआ गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो

जो मेरे को पूरे मेडिकल करियर में नहीं लगा मतलब और हां क्लियर कर दू ये बुढ़ापे वाला प्रेस बायोपिया नहीं है ठीक है कि जो दोनों तरफ का लग गया ठीक है तो एक्चुअली में जो है लग गया बस लग गया पूरे मेडिकल कॉलेज में नहीं लगा पूरे पीजी कहता नहीं लगा तुमको पढ़ाया लग गया तो पढ़ लो भैया ठीक है तो अरे आप बोलोगे सर हमारे हा, हा, ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो हमको पढ़ाने के लिए इतना किया तो ऐसा हो गया नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा अरे यार क्या होता है कई बार है ना एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको थोड़ी समस्या बहुत समय पहले से हो गई लेकिन आपकी आईज पहले एकोमोडेट कर रही थी मसल्स जो एलेंस का को, को चेंज कर कर के अब थोड़ा सा जो मुझे कुछ दिनों से ना हल्का सा हेडेक रहने लगा था माइल्ड सा हेडेक रहने लगा था तो फिर मैंने कहा कि, कि आ, आई, आई शुड गो फॉर कंप्लीट आई चेकअप तो मैं गया डॉक्टर मेरे फ्रेंड डॉक्टर उनके पास में तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं अब आपको लगाना पड़ेगा ठीक है चलो ठीक है मैं ये ये क्वेश्चन उठा था ना इसके लिए बोला मैंने कि आज सर कैसे सर क्या मतलब आज सर जो है वो अक्षय कुमार वाला चश्माला कहाँ से आगे आ गया ठीक है अब मेरी बात सुनो ठीक है अब जो है कहाँ पे मैं आपसे कह रहा था बेटा कि चीजों को समझा करो

न्यूट्रेंट सॉल्यूशन में न्यूट्रेंट सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन दो ही मत अब प्लांट क्या होगा उसको नाइट्रोजन तो मिलेगी नहीं ग्रो करेगा तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ेंगे उसमें पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी स्टंटेड ग्रोथ आएगी पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी के, आपने कहा हाँ नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट था इसको जैसे हटाया तो पत्तियां पुरानी पत्तियां पहले पीली पड़ रही हैं और बाद में नई पत्तियां पीली पड़ रही है प्लांट की ग्रोथ कम हो गई ठीक है नाइट्रोजन आपने ऐड कर दिया प्लांट नॉर्मल हो गया हटा दिया प्लांट फिर फिर वही सिम्टम आ गए तो आपने क्या बोला आपने कहा अरे यार ये जो मिनरल एलिमेंट को हम हटा देते ना तो पौधा जो है भूखा हो जाता है उस मिनरल के लिए उसको हमने क्या बोला हंगर साइन बोलते हैं इसको, इसको हम लोग के इसको हम लोग हंगर साइन कहते हैं हंगर साइन क्या होता है कोई मिनरल एलिमेंट को हटाने के बाद पौधे में जो डेफिशिएंसी सिम्पटम दिखाई पड़ेंगे ना उन्हें हम हंगर साइंस कहते हैं क्लियर आपने आयरन घोटा लिया आपने कहा चलो एक काम करते हैं आयरन एफ्यू हटा के देखते क्या होता आयरन को हटाया देखा आपने इंटरवीनल क्लोरोसिस पूरी पत्ती पीली नहीं पड़ रही है मिडवीन के आसपास की पत्ती का हिस्सा पीला पड़ने लगा है प्लांट की ग्रोथ स्लो हो गई है प्रॉपर क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है कलर क्लोरोफिल का कलर भी जो है फैंट पड़ गया है आप समझ गए कि ये तो आयरन के कमी के लक्षण है सारे क्लियर तो अब क्या लिखा है इसमें 1860 में जूलियन वॉन सेक एक प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे इन्होंने बताया कि प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन डिफाइंड न्यूट्रेंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल के पौधे को बगैर मिट्टी के हम आसानी से न्यूट्रेंट सॉल्यूशन में उगा सकते हैं और इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहा गया जो कि सॉइल कल्टीवेशन होता है ठीक है देखिए है ना? देखने आप के देखने है इसमें कि ट्यूब दिखाई पड़ रहा है कॉटन प्लांट को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे फनल कि हम वाटर और न्यूट्रेंट को एड कर सकते हैं ठीक है एनसीआरटी का कोई भी इमेज छोड़ना नहीं है एकदम समझ लेना आपकी वो कहीं से भी कुछ भी इमेज उठा के देते क्वेश्चन बना के इसलिए गलती नहीं करना ठीक है ठीक देखो आप बड़े पैमाने पर करना होगा तो ये भी कर देंगे एक बड़ा सा हिस्सा लिया उसमें तो कंटेनर में हम कई सारे प्लांट को एक साथ लगा सकते हैं हमके जड़े डूबी हुई न्यूट्रेन सोल्यूशन के अंदर के क्लियर ये भी हाइड्रोपोनिक्स का एक तरीका है, है देखिए आप अब ये इमेज एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बता रहा हूं कैसा होता है एक्चुअली में हॉर्टिकल्चर सेंटर में जाएंगे आप देखेंगे बड़े बड़े कंटेनर हैं इनमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन नीचे से फ्लो करता रहता है और ऊपर से वो प्लांट को प्लांटलेट को छोटे पौधों को लगा देते हैं उसमें प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं ठीक है क्लियर सिंस देन ए नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज मैथड इम्प्लॉयड टू ट्राई एंड डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रेंट एसेंशियल टू दी प्लांट ठीक है कई सारे तरीके हमारे पास अब आ चुके पता लगाने के लिए कि कौन सा मिनरल एलिमेंट पौधों के लिए जरूरी है कल्चर ऑफ प्लांट इन सॉइल फ्री डिफाइंड लेकिन हर मेथड की एक कॉमन बात यह कि चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं यदि पौधों में मिनरल्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसका पता लगाना है मिनरल्स की डिफिशंसी से क्या होता है उसका पता लगाना है तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि न्यूट्रेंट सोल्यूशन यूज कीजिए उसमें से जिस मिनरल की कमी से आपको पता लगाना है क्या

After a series of experiments in which the roots of the plant were immersed in nutrient solution and wherein an element was added, removed, or given in a varied concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained up the beta. सिंपल सी बात क्यों जरूरी है क्योंकि हमने क्या किया हमने इस इस मेथड से हम बड़े आसानी से जो है मिनरल एलिमेंट को ऐड करके रिमूव करके अलग अलग सॉल्यूशन में कि किस सोल्यूशन हमने क्या किया अब मान लो हमको मालूम चल गया कि चलो हमें मालूम चला कि पोटेशियम इज इंपॉर्टेंट

मुझे माफ कर दीजिए और इसको ऐसे लगा लेते हैं है ना ठीक है तो मैंने क्या कहा आपसे हंगर साइन मैंने बताया ता कमी के कारण जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो उन्हें हम हंगर साइन कहते हैं जैसे आप देख रहे हैं ठीक है डिस्टिल्ड वाटर में यदि आपने पौधे को डिस्टिल्ड वाटर कोई मिनरल नहीं है पौधा बो, केवल डिस्टिल्ड वाटर आप देखो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पा हार्डली प्लांट में ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही है केवल आपने क्या किया प्लांट में आपने नाइट्रोजन को आपने नाइट्रोजन को आपने माइनस कर दिया ना आपने नाइट्रोजन को माइनस कर दिया प्लांट के, के लिए न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में माइनस एन, एन लिखा नाइट्रोजन को माइनस कर दिया आपने वेरी लिटिल ग्रोथ आयरन को माइनस क्या पत्तियां पीली पीली पड़ गई है मैग्नीशियम को माइनस क्या पुअर ग्रोथ एंड येलो लिफ्ट फास्फोरस को माइनस किया तो तना और रूट काफी कमजोर हो गया पर और यदि सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो हेल्दी ग्रोथ हो गया तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने इसको माइनस किया क्या सिम्टम आया इसको माइनस किया क्या सिम्टम आया आप देख रहे हैं कि आप एक एक मिनरल एलिमेंट को हटाते जाइए आपको सिम्टम्स देखने आसानी से मिल जाएंगे ठीक है क्लियर अब बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वेर आइडेंटिफाइड एंड दर डिफिश सिम्टम डिस्कवर्ड के हाइड्रोपोनिक्स ज बीन सक्सेसफुली इंप्लाइड एज ए टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल सजेस टोमेटो सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस आज कभी आपको जाने का मौका मिले दुबई बता रहा हटके मतलब गल्फ कंट्री जो है इसमें हम देखे हमने कहा आपसे दुबई हुआ अबुधाबी हुआ ये ऐसी कंट्री है दुबई की बात चलो दुबई जो है वो ऐसे वो दुनिया भर के लोग वहां रहते हैं ऐसी कंट्री यहां पर रहती चारों तरफ तो रहती रहती मतलब जैसे हम लोगों के पास मिट्टी है ना अच्छी वैसी मिट्टी कुछ नहीं है रहती रहती रह चारों तरफ तो के आप देखिए इतनी ग्रीनरी है सड़कों के आसपास पूरे के पूरे दुबई के अंदर आपको ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी के। और आपको बता वो, वो आर्टिफिशियल है क्या उन्होंने मतलब नकली पौधे नहीं है वो पौधे कि उन्होंने सड़क के किनारे उन्होंने बड़े बड़े ट्यूब बनाए हुए हैं कंटेनर के उसमें प्लांट ग्रो किया उन्होंने प्लांट को सपोर्ट करके लगाया गया अंदर और न्यूट्रेंट सोल्यूशन फ्लो करता था उसके अंदर के वैसे वो ग्रो कर रहे हैं सैंड कल्चर कर रहे हैं वो लोग रेत के अंदर न्यूट्रेन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके मतलब मैं आश्चर्य में हूं इंडिया में कोई सब्जी हो सकता है ना मिले मौसम जाने के लेकिन दुबई में, आपको सब मिलेगा, में कोई सब्जी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपको वहां ना मिलती हो वहां उगती ना हो वो सब उगा सकते हैं तो आज हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल जो है हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए करते हैं वेजिटेबल्स के लिए टमाटर सीडलेस आदि के लिए इट मस्ट बी एम्फोसाइज दट द्यूट्रेन सोलूशन मस्ट भी एडिकुटली एरेटेड टू ऑप्टन ऑप्टन ग्रोथ मैंने कहा ना न्यूट्रेन सोल्यूशन जो है उसमें आप यदि जो है वो आप एयर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जड़ों जड़ों को एयर नहीं मिल पाएगी जड़ें रूट रेस्पारेशन नहीं कर पाएंगे तो जड़ें मर जाएंगी जड़ों में एनारोबिक रेस्पाशन होगा तो रूट की ग्रोथ कम होगी जब रूट की ग्रोथ कम होगी तो मिनरल न्यूट्रेशन कम हो जाएगा उसका तो प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाएगी मतलब यदि आपने हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन में आपने जड़ों को अंदर रखा आपने और प्रॉपर एयर प्रोवाइड नहीं किया आपने एरेशन ट्यूब नहीं लगाया ना तो क्या होगा बेटा कि एयर कम होने से रूट रेस्पायर नहीं कर पाएगी जड़ों को एनोरोबिक रेस्परेशन करना पड़ेगा और उसमें एनर्जी बहुत खर्च होती है और वैसे में क्या होता है जड़े रूट कम ग्रोथ करेगी जब रूट की ग्रोथ कम होगी तने की ग्रोथ भी कम होने लगेगी फिर क्योंकि न्यूट्रंट उतना एब्सॉर्व नहीं कर पाएगी रूट ठीक है देखिए ना तो एक सिंपल हाइड्रोपोनिक सिस्टम कैसा होता है जिसका इस्तेमाल जो है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ के लिए करते हैं क्रॉप को उगाने के लिए करते हैं app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. <laughs> फिर आप देख रहे हैं कि बाकायदा एक पंप लगा हुआ है जो सॉल्यूशन को अंदर डालता है निकालता है उससे क्या होता है कि जो एयर है ना और उसमें बाकायदा एयर बबल्स प्रोवाइड किया जा रहे हैं जिससे क्या हो जिससे कि जो है वो बराबर एयरेशन भी उसके अंदर बना रहे तो एयर पंप लगा हुआ है जो अंदर बबल्स को छोड़ रहा होता है एयर पंप से बबल्स, बबल्स बाकायदा निकल रहे होते हैं इसमें एयर पाइप लगा हुआ है उसके अंदर ठीक है और देखिए आप न्यूट्रेंट न्यूट्रेन सोल्यूशन को भी हम बार बार लेते हैं चेक करते हैं जो न्यूट्रेंट कम हो गया उसको एड करते हैं फिर रीपंप करते हैं ठीक है देखिए आप ना एक्चुअली में दुबई के अंदर ठीक है दिस इज द फोटोग्राफ जिसको दुबई में लिया गया है तो आप देख रहे हैं इस, इस, इस कैसे वो कल्चर कर रहे हैं इसको एक हॉर्टिकल्चर सेंटर के अंदर ठीक है पालक मेथी की भाजी पालक की भाजी ठीक है क्या खाना है भाई सब मिलेगा आपको सब उगा सकते हो उठ के मैं सब्जी वाला नहीं हूं बता रहा हूं उठ के सब मिलेगा वहां पर उठ के चलिए है ना नहीं तो आप ऑर्डर कर दोगे सर 1 किलो पालक हां ठीक है चलो अब अब एक थे अब थोड़ा से बाहर निकलते हैं है है ना अब साइंटिस्ट ने देखा कि एक बड़ी समस्या आप भले से सुनिए मेरी बात कि आप भले से ही जो है एयरेशन ट्यूब से एरेशन ट्यूब से एयर अंदर डाल दो सॉयलशन के अंदर लेकिन जड़े जो रूट है उनको लगातार वाटर के कॉन्टेक्ट में रहना पड़ता है तो कई बार जड़े, जड़े जो है गलने लगती है रूट से गलने लगती है जड़ें खराब होने लगती हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको जब अधिक ओवर वॉटरिंग करें आप जड़ें अधिक अधिक पानी में रहेंगी तो उनकी रूट खराब होने लगती है तो उससे निपटने का तरीका क्या है तो नया टेक्निक खोजा गया है एरोपोनिक्स अब ये एरोपोनिक्स क्या चीज है अब आपको आपने कभी गौर किया हो जरूर देखा होगा पता नहीं आपने उसको अटेंशन किया गौर किया है नहीं किया? कभी आप देखना कि जो है कस्बों में जनरली छोटे टाउन में शादी होती है ना मैरिज होती है ठीक है बड़े शहरों में थोड़ा कल्चर ये हट गया है नहीं है ऐसा कल्चर तो कस्बों में जिला स्तर पे कहीं पे डिस्ट्रिक्ट हुआ तहसील हुआ छोटे छोटे कस्बों में जब मैरिज होती है ना तो मैरिज में क्या होता है कि बारात आती है तो बारात आती है तो लड़की वाले बकाया तैयारी करती है भाई बारात आने वाली बारात का स्वागत करना है स्वागत करना है तो वो फूल माला रखते हैं और एक पंखा लगा होता है कभी गौर करना एक फैन लगा होता है एक अलग तरह का फैन दिखाई पड़ता है और वो फैन में से कुछ क्या होता है वो वाटर जैसे कुछ ड्रॉपलेट बाहर निकल रहे होते हैं और वो परफ्यूम पहले के जमाने में कहा था कि बड़ा तो हर व्यक्ति को इत, इत्र लगाते थे इत्र छिड़कते थे उसको लेकिन दीमें दीमें क्या कमर्शलाइजेशन हो गया भाई कौन इत्र इत्र छिड़केगा इतने लोगों को तो उन्होंने कहा भाई काम करते पंखा लगाते पंखे में पानी डालेंगे पानी में इत्र या परफ्यूम डाल देंगे और फैन चलेगा फैन से वो फ्यूम्स निकलेंगे ऐसी खुशबूदार हवा निकलेगी के तो लोगों को अच्छा लगेगा अंदर के हमारा स्वागत हुआ है ना कभी गए बरात में कि नहीं गए देखा ना बरात में आता आदमी तो कितना मतलब ऐसा सोचता है कि मतलब मैं मतलब मैं आ गया हूँ मतलब बहुत बड़ा एहसान किया मैंने के अच्छा खिलाओ मेरे को है ना अच्छा मैं डांस करूंगा अटके मतलब मैं वो जमीन में लोट पुट होके आया हुआ ऑलरेडी बहुत लंबा चौड़ा रोड कर, कर कर दूरी तय करके लेकिन वो जो था फिर अरे आपको बता दो मैं कि कोई शादी ऐसी भारत भारत में कोई कोई ऐसी कोई शादी नहीं है कोई ऐसा ऐसी मैरिज नहीं है जिसमें एक झगड़ा ना हुआ हो रिश्तेदार झगड़ा करेंगे आपस में बराती और जो है जो घराती में एकाध कोई ना कोई बहस छोटी मोटी बहस होगी वो नहीं हो रही ना तो मतलब शादी नॉर्मल नहीं है ये सामान्य मैरिज नहीं है फिर वो है ना ठीक है तो चलिए तो अब आप बोलोगे सर कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं आपके नहीं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वो जो पंखा है ना वो एरोपोनिक्स है मैं तो हर जगह वही ढूंढता हूँ साइंस अपना एक्चुअली क्या होता है बेटा उसमें न्यूट्रेंट मिलते हैं डालना पानी के अंदर तो उसको वो बारीक बारीक बारीको एक पंप लगा होता है और फैन जोर से घूमता है ना तो वाटर की ड्रॉपलेट कई हिस्सों में बढ़ जाती है तो आपको लगता है हवा आ रही लेकिन वो बारीक 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 फ्यूम्स होती हो वो बारीक बारीक फ्यूम्स होती है बारीक बारीक बोछार होती है समझिए पानी की बूंद का बहुत छोटा हिस्सा होता है जो आपके ऊपर दिखाई पड़ता है ना जो फ्हार वो बिल्कुल बारीक वैसी होती है जिसे स्प्रे करते हैं तो ऐसे क्या होता है इसमें एयर क्वांटिटी काफी दिखती है उसके अंदर एयर भी होती है इसलिए वो बारीक फ्यूम के रूप में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता हवा समान दिखाई पड़ता है ऐसी एरोपोनिक्स में क्या किया हमने भी तरीका अपनाया कि हमने कहा काम करते हैं हम न्यूट्रेंट सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं उसको हम भर के जार में ही रखेंगे हम हाँ न्यूट्रन सोल्य को स्प्रे करेंगे जो कंडेंस होकर नीचे बैठ जाएगा उसे दोबारा कलेक्ट करेंगे फिर दोबारा स्प्रे कर देंगे उससे क्या होगा कि रूट को जो है लगातार वाटर के संपर्क में नहीं रहना पड़ेगा जो एयर नेचुरली उसको मिलेगी और एरेशन पंप का खर्चा भी बच जाएगा ठीक है तो ये है एरोपोनिक्स ठीक है देखते हैं उसमें देखो क्या लिखा है एरोपोनिक्स इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन एयर और मिस्ट इन्वायरमेंट विथ द यूज ऑफ सॉइल ठीक है

मोरेवर दी roots रूट्स आर यूजली फुली एक्सपोज्ड एंड कॉन्स्टेंटली स्प्रेड इनटू टू माइक्रो वस्ट ऑफ दाइज वाटर के तो वाटर को स्प्रे करते हैं इसके ऊपर लगातार और रूट इसमें ग्रो करती है ठीक है जैसे देखिए आप बेटर बेटर आपको देखिए से ना क्या देख रहे हो आप एरो पॉइंट से देख रहे हैं कि ये न्यूट्रेंट पंप ये न्यूट्रेंट पम्प है ये वाटर और न्यूट्रेंट है ठीक है ये पंप लेता वाटर को और ये स्प्रे करा देखो ये रूट्स हैं ये आप देखो ये आपको दिखाई पड़ रही है रूट दिखाई पड़ के वो रूट में बकायदा जो है वो मिस्ट नोजल ये नोजल दिखाई पड़ा बोल ये स्प्रे कर रहा है केवल रूट की दिशा में रूट को स्प्रे कर लगातार के लगातार पंप लगातार रूट को स्प्रे कर रहा है और जैसे स्प्रे करता है बाकी का स्प्रे का जो 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 न्यूट्रेंट है वो कंडेंस होकर नीचे गिरता है और लगातार जो है वो रिजर्व वायर से लगातार स्प्रे हो रहा होता है तो ये क्या ये है ये एरोपोनिक्स है दिस इज एरोपोनिक एरोपोनिक्स इसमें क्या फायदा हुआ बेटा फायदा ये हुआ उसमें कि पौधों की जड़ों को लगातार वाटर के संपर्क में रहने के कारण वो गल नहीं रही है उनको प्रॉपर एरेशन मिल रहा है और बेटर एरेशन मिल रहा है ठीक है अब आ गया सेंड कल्चर साइंटिस्ट ने और आगे सोचा उन्होंने कहा यार देखो इस बात को अपलाया सेंड कल्चर करते हैं के। बड़े बड़े कंटेनर में रेत भर लेते हैं रेत जो, है, जो होती है सेंड जो होती है सेंड के अंदर नेचुरली बड़ा बेटर एरेशन होता है सेंड के अंदर बड़ी मात्रा में एयर होती है नेचुरली प्राकृतिक रूप से

व्हाट आर द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट ये क्या होते हैं क्योंकि देखिए यदि एक प्लांट को यदि हम एक पौधे की जर, की भस्म करके प्लांट एश का हम एनालिसिस करें क्या होता है प्लांट एश प्लांट को लिया हमने जला दिया हमने तो जो ऑर्गेनिक केमिकल थे वो CO2 वाटर ग्रुप में उड़ जाएंगे वो जल के ठीक है अब बचेगा क्या राख बचेगी राख में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होंगे उनका आपने के था चला कि पौधे को जलाने पर जो पौधे की राख मिली है जो प्लांट एश मिला है उसके अंदर आपके प्रोडक्टेबल के आधे से अधिक एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या सब जरूरी है नहीं सब जरूरी नहीं है कैसे पता लगाया आपने हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल किया पता लगाने के लिए हमने ठीक है मोस्ट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल अधिकांश मिनरल जो मिट्टी में प्लांट में रूट के थ्रू इंटर कर सकते हैं इनफैक्ट मोर देने कहा ना आपकी प्रोडिक्टेबल के आधे से अधिक एलिमेंट आपको यहां पर देखने मिलते हैं ठीक है सम प्लांट स्पीसीज एकट सेलेनियम समर गोल्ड अब एक प्लांट होता है इक्विटम फाइटा है है ठीक जहां पर ये ग्रो करता है ना तो लोग मानते हैं वहां पर सोना होता है ठीक है ऐसा लोग मानते हैं साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मालूम चला उन्हें गोल्ड पार्टिकल्स को अपने बॉडी में इकट्ठा कर सकता है ठीक है कुछ प्लांट्स लेने में इकट्ठा करते हैं ठीक है ठीके? कुछ प्लांट जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के आसपास ग्रो करते हैं वो रेडेक्टिव स्टॉनसिम को भी जो है वो अपटेक कर सकते हैं वो ठीक है जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया वहाँ पे वो स्टोनसिम को भी अपटेक कर लेते हैं उसका भी देर आर टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन के आज हमारे पास वो टेक्निक है जिनसे हम कम से कम मात्रा के में भी मिनिमम क्वांटिटी में भी कोई मिनरल एलिमेंट दी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है हम उसका पता लगा सकते हैं आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं ठीक है

अब क्या क्राइटेरिया है नंबर एक पहला क्राइटेरिया तो है बेटा कि जो मिनरल एलिमेंट एसेंशियल होगा मेरी बात ध्यान सुन के पहला क्राइटेरिया है कि जो मिनरल एलिमेंट एसेंशियल होगा पौधा उसके बगैर नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ना कर पाता हो मतलब इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो मिनरल एलिमेंट मीडियम में नहीं है तो पौधा नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल रिप्रोडक्शन ना कर पाए दूसरा क्राइटेरिया पहले सुन लो फिर हम पढ़ेंगे इन के दूसरा क्राइटेरिया ये वो मिनरल एलिमेंट पौधे की बॉडी में बनना नहीं चाहिए वो पौधे पौधे को डायरेक्ट उसके न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होना चाहिए पौधा जो भी मिनरल्स एब्जॉर्ब उसमें डायरेक्टली वो मिनरल एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए मतलब डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन उसका होना चाहिए तीसरा क्राइटेरिया उस मिनरल एलिमेंट का कोई रिप्लेसमेंट ना हो पोटेशियम का काम पोटेशियम ही करेगा कोई दूसरा उसका काम नहीं कर सकता है चलिए देखते हैं क्या लिखा okay, okay. मतलब है में। एलिमेंट मस्ट बी में देखोलूटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन एब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट सीड के याद रखिये मतलब यह है कि जो भी मिनरल एलिमेंट एसेंशियल होगा वो पौधे के लिए इतना जरूरी होना चाहिए कि उसके बगैर पौधा सामान्य वृद्धि और प्रजनन ना कर पाए नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ना कर पाए उसके अंदर बीज ना बन पाए नॉर्मल वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा ना कर पाए ये क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा क्राइटेरिया द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय द अनदर एलिमेंट के इस एलिमेंट कोई दूसरा एलिमेंट बदला बदल ना सकता मतलब यह एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई दूसरा एलिमेंट इसका स्थान नहीं ले सकता डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी प्लांट के पौधे की मेटाबोलॉजी में एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए ठीक है ना क्लियर समझ गए मतलब तीन क्राइटेरिया है और जो भी मिनरल एलिमेंट जो भी मिनरल एलिमेंट इन तीनों क्राइटेरिया पर सही खरा उतरेगा के जो भी मिनरल एलिमेंट इन तीनों क्राइटेरिया पर खरा उतरेगा वही एसेंशियल एलिमेंट होगा और जो खरा नहीं उतरेगा वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है सोडियम बड़ा एनिमल बॉडी अरे भाई एनिमल बॉडी में बगैर सोडियम के काम ही नहीं चलता है हमारी बॉडी में सोडियम ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा हमारा हार्ट काम नहीं करेगा सोडियम हमारे लिए बड़ा जरूरी है लेकिन पौधों के लिए सोडियम नॉन एसेंशियल नहीं जरूरी है पोटेशियम हमारे लिए भी जरूरी है पौधों के लिए भी जरूरी है ठीक तो, है तो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है तीन चीजों पर, ते, पर देखो बेटा सुनो समझो और यही याद करो यार ठीक है एसेंशियलिटी का पहला क्राइटेरिया यह है कि वो जो मिनरल एलिमेंट एसेंशियल है वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इतना जरूरी होना चाहिए कि उसके बगैर नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल रिप्रोडक्शन ना हो पाता हो ठीक है दूसरा उसका कोई विकल्प ना हो इिप्लेबल हो तीसरा डायरेक्टली मेटाबोलिज के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए ठीक है क्लियर बेस्ट अपॉन दी एव क्राइटेरिया ओनली ए फ्यू एलिमेंट फाउंड टू बी देखिए इस क्राइटेरिया को जब हमने अप्लाई किया ना तो जो प्रोडिक्टेबल के आधे से अधिक एलिमेंट राख के अंदर प्रेजेंट थे प्लांट के जो प्लांट बॉडी के अंदर मिल रहे थे उसमें से कई सारे डिस्कालीफाई कर गए अब केवल वही बचे कि हाँ भाई यही एसेंशियल हैं के फिर इनको भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया हमने एक वे जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अधिक मात्रा में होती है दी मिनरल एलिमेंट विच आर एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड इन हायर क्वांटिटी मैक्रो एलिमेंट और दूसरे वे जिनकी रिक्वायरमेंट एसेंशियल तो है लेकिन कम मात्रा में चाहिए और देखो बेटा मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट में आप कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है बोथ आर एसेंशियल बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट बस इतना सा है कि खाने में नमक डालना है आटे में नमक डालना है नमक में आटा नहीं डालना है समझ भाई बात क्या बोल रहा हूं उठके यदि आप आटे में नमक नहीं डालते तो रोटी का स्वाद बदल जाता है नमक डालना है पर कितना डालना है थोड़ा सा डालना है एक किलो नमक डाल दिया आपने एक किलो आटे के अंदर तो क्या रोटी खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे आप पाती ठीक है है मतलब वही है। लेकिन नमक जरूरी है उसके बगैर स्वाद भी नहीं आएगा मतलब यह हुआ कि माइक्रो एलिमेंट जो है जो कम मात्रा में इक्वली इंपॉर्टेंट एज मैक्रो एलिमेंट उसके बराबर ही ये इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा ठीक है क्लियर मैक्रो और माइक्रो दो में बांट देखिए आप एक टेबल तैयार करते हैं आपके फिर आगे बात करेंगे दो कट दो हमने कॉलम बनाया देखो बेटा अब एक वर्ड आया ट्रेस एलिमेंट जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं उनको ट्रेस एलिमेंट होते हैं और एक वर्ड होता है ट्रेसर ट्रेसर का मतलब होता है रेडियो एक्टिव के जो ट्रेसर एलिमेंट जिनका हम आटो रेडियोग्राफी में जिन जिन एलिमेंट का उपयोग हम ऑटो रेडियोग्राफी में करते हैं कार्बन 14 का इस्तेमाल किया हमने के हमने ऑक्सीजन 18 का इस्तेमाल किया तो जिनका हम जो है जो है वो आ, जो है किस का यूज करते हैं उसका हम ऑटो रेडियोग्राफी में इनका यूज करते हैं वो ट्रेसर एलिमेंट कहलाते हैं ठीक है ना ठीक है तो ट्रेस अलग वर्ड है ट्रेसर अलग वर्ड है कंफ्यूज मत करना माइक्रो की रिक्वायरमेंट पौधों को थोड़ी अधिक मात्रा में होती है दे इन एक्सेस टू मिलीमोल पर ऑफ ड्राई से अधिक पाए जाते हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट कम मात्रा में होती है माइक्रोन्यूट्रेंट में शामिल है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये मैक्रो एलिमेंट में शामिल होते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट में शामिल होते हैं आयरन मैग्नीस कॉपर मोलिबनम जिंक बोरॉन क्लोरिन ठीक है ठीक तो है हम एंसेट के अकॉर्डिंग माइक्रो रिटर्न में शामिल है याद रखिए आयरन का पोजीशन थोड़ा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है आयरन जो है वो जब इनके कंपैरिजन में देखोगे तो वो मैक्रो एलिमेंट के समान बिहेव करेगा बाकी आगे वाले की माइक्रो एलिमेंट की कंपैरिजन देखोगे तो माइक्रो के समान बिहेव करेगा मतलब आयरन की इतनी रिक्वायरमेंट होती है मैक्रो से कम लेकिन माइक्रो एलिमेंट से ज्यादा ठीक है ना क्लियर हम आगे बात करेंगे इस पर फिर याद रखिएगा

जो माइक्रो न्यूट्रेन है, है उनके भी अपने एक लेवल है तो आपको के दिखाई पड़ेंगे एक लेवल से अधिक होगा तो टॉक्सिक सिम्टम भी आपको दिखाई पड़ेंगे तो एक एडिक्यूट जोन होता है उस अमाउंट में प्लांट को मिलेगा तो प्लांट के लिए बेहतर रहेगा ये जो ग्राफ है ये बायोलॉजी ओलंपियाड के अंदर दिया गया ग्राफ बेटा उसको हमने यहाँ पे लिया क्लियर तो ये शो करता है आपसे कि मिनरल न्यूट्रेंट जो होते हैं एसेंशियल मिनरल होते हैं उनकी एक उनके एक, एक निश्चित जो है वो रेंज होती है जिसमें वो प्लांट को, को, को जो फेवर करती है यदि उससे कम होगा तो डिफिशियं सिम्टम देखने मिलेंगे अधिक होगा तो टॉक्सिक जोन में आ जाएगा कम आपको जो है वो प्लांट ग्रो करता हुआ प्लांट में मिलेगी ठीक है मीनिंग ऑफ ऑफ क्रिटिकल मिनरल एलिमेंट एक मिनरल एलिमेंट के क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है एक मिनरल एलिमेंट के क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक अमाउंट यदि उससे कम मिनरल मिला यदि वो मिनरल एलिमेंट उससे कम हुआ तो पौधे में

हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों होते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट ये होते है तीनों होते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट ये फ्रेम इसके बगैर तो कुछ बन ही नहीं सकता है ठीक है ठीक है फिर फिर क्या बेटा नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर ये तीनों होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट इसके बगैर तो प्रोटोप्लाज्म बन सकता है प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट ठीक है छह हो गए फिर क्या हुआ बेटा देखो क्या क्या हो गए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रेमवर्क एलिमेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर ये क्या हो गया बेटा ये हो गया अपने प्रोटोप एलिमेंट फिर पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के ये क्या है बेटा ये हो गए गया है आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट ठीक है ना क्लियर इसमें से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है मेनली किससे मिलते हैं से से मिलता से मिलता है 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 और वाटर बाकी सभी को जो मिनरल जो है वो न्यूट्रिएंट के रूप में उसको से लेना पड़ता है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है CO2 से कार्बन मिल जाएगा ऑक्सीजन मिल जाएगा एटमोसफेयर से और जो है वो हाइड्रोजन uh, जो है वो वाटर से मिल जाएगा उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं याद रखना ट्रेसर डिफरेंट वर्ड है ट्रेस अलग वर्ड है ठीक है और इनकी अमाउंट कम मात्रा में आवश्यकता होती है ये टेन मिली मोल पर के जी डीमीटर से कम होते हैं इसमें शामिल है आयरन मैग्नीस कॉपर मोलिडेनम जिंक बोरॉन क्लोरिन और निकल के याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है के जो एनसीआर इट इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि अलग बुक में जाओगे तो आपको अलग दिखाई पड़ेगा यहां पे ठीक है ना याद रखना आयरन इज ए ट्रांजिशनल एलिमेंट मैं कह रहा हूं आपसे आयरन इज ए ट्रांजिशनल एलिमेंट के जब उसको एस कंपेयर टू माइक्रो एलिमेंट दिखोगे तो इट इज ए माइक्रो एलिमेंट और यदि यदि कोई पूछता आपसे कि कौन सा मैक्रो एलिमेंट है ऑप्शन ए है आयरन ऑप्शन बी है मैग्नीज ऑप्शन सी है कॉपर ऑप्शन सी है तो आंसर इसका आयरन हो जाएगा तो मतलब अपने साथ वालों के कंपेयर में देखोगे तो आयरन इज मैक्रो एस कंपेयर टू टू माइक्रो एलिमेंट के और लेकिन यदि आपने आपने देखा नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर आयरन तो यहां पे आयरन हो जाएगा माइक्रो एलिमेंट ध्यान देना ये क्वेश्चन डीपीएस में दूंगा मैं इसलिए बता रहा ठीक है ना क्लियर? इन एडिशन टू सेवन एसेंशियल एंड सेवनटीन सेवनटीन होगा ना एलिमेंट इन एडिशन टू सेवनटीशियल एलिमेंट एवोप देर आर समेनिशियल एलिमेंट सोडियम होता है सिलीकॉन होता है कोबाल्ट होता है सेलेम होता है जिसकी हायर प्लांट प्लांट में रिक्वायरमेंट होती होती है, होती है अब आप बोलोगे अभी आपने कहा था कि सोडियम जरूरी नहीं है अरे लेकिन मैंने कहा ना बेटा आपसे कि सोडियम इज बेनिफिशियल एलिमेंट नॉट एसेंशियल एलिमेंट कुछ पौधों को अपना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है याद रखना ठीक है ना क्लियर चलिए तो अब हमने क्या देखा एक टेबल देखने पे हम हमने आपसे कहा कि मिनरल एलिमेंट जिनको हमने क्लासिफाई किया हुआ बेटा ठीक है

प्लांट में पुराने हिस्से से मूव करके नए हिस्से में नहीं जा पाएंगे और ऐसे कौन से जा पाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मोबाइल एलिमेंट है बेटा नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोरीन, सोडियम यदि प्लांट को रिक्वायर्ड है तो के जिंक एंड मॉलिवडन के ये क्या है ये मोबाइल एलिमेंट के मतलब जो अब एक कॉमन फंडा सुन लो एक कॉमन फंडा सुन लो के जो भी मोबाइल एलिमेंट होंगे ना उसके डिफिशियंसी के सिम्टम आपको

सल्फर आयरन बोरॉन कॉपर ये मूव नहीं करते तो न्यू लीफ में देखने मिलेंगे क्योंकि ओल्डर लीफ में ये प्रेजेंट होंगे एलिमेंट लेकिन इनको नई लीफ में भेज नहीं सकते आप तो जो कम डिफिशंसी होगी कमी होगी तो नई पत्तियां सफर करेंगी ये कॉमन फंडा है दिमाग में रखना आगे बात करेंगे इस पर हम ठीक है क्लियर फिर किस फॉर्म में मेरे एलिमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं हमके देखिए आप सीओ टू कार्बन के लिए सीओ टू काम करता है ऑक्सीजन के लिए भी सीओ टू से ऑक्सीजन ले सकते हैं हमके हाइड्रोजन के लिए वाटर को उसका इस्तेमाल करते हैं हमके नाइट्रोजन के लिए नाइट्रेट और अमोनियम आयन का यूज करते हैं सल्फर के लिए सल्फेट आयन का यूज करते हैं फॉस्परस के लिए बाई बाइफॉस्फेट आयन का इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम को पोटेशियम आयन के रूप में रहते हैं कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में रहते हैं मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन के रूप में रहते हैं मतलब सब कुछ जो है आयनिक फॉर्म में अंदर जाता है ठीक है क्लो माइक्रोन्यूट्रेंट में क्लोरीन हुआ फेरस और फेरिक फॉर्म में आयरन हुआ के फिर अब जो है वो बोरेट बोरे आयन के रूप में बोरॉन हुआ फिर में के फिर हम देख रहे हैं इसमें कि मैग्नीज जिंक कॉपर क्यूपरस और क्यूप्रिक आयन के रूप में आयन हुआ निकिल हुआ के ये सब फॉर्म फॉर्म है किस में वो पौधे को अवेलेबल रहेगा ठीक है क्लियर ठीक अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे चलिए अभी आप लंबा हो गया हम आगे इस यही खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो मिनरल एलिमेंट्स हैं पौधे की लाइफ में जरूरी मिनरल एलिमेंट्स है तके? वो मिनरल एलिमेंट जो है मिनरल एलिमेंट्स को हम जो है किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं ठीक है थाके? और क्या मैक्रो एलिमेंट की भूमिका है क्या माइक्रो एलिमेंट की भूमिका है ठीक है और जो अलग अलग कैटेगरी ने कौन से मिनरल एलिमेंट एनर्जी कैटेगरी में जाते हैं कौन से जो है वो बनाने में काम रोल प्ले करते हैं ठीक है थाके? मतलब स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करते हैं तो हम वैसे डिवाइड करके देखेंगे हम ठीक है और बिल्कुल देखो ये चैप्टर ऐसा थोड़ा सा इसमें मेमोराइज करना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा इन्फॉर्मेशन ठीक है लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने कहा ना आपसे कि जो मोबिलिटी शो करते हैं एलिमेंट ओल्डर लिफ में सिमटम पहले दिखाई पड़ेंगे जो एलिमेंट है न्यू न्यूलिफ में पहले दिखाई पड़ेंगे तो ये ये छोटे छोटे है ना ये दिमाग में रखेंगे ना तो आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी है ना बेटा चलिए तो खत्म करते हैं हाँ पे के, तो पढ़ते रहिए जोश के साथ में लगातार अपना जोश हायर साइड रखिए लगातार अपनी मंजिल पर नजर रखिए और हम जीतेंगे बेटा जरूर जीतेंगे ऑल द बेस्ट To become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.